नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपदा क्या होता है। आपदा यानी हैजर्ड किसको कहते हैं? क्या आपदा आपदा क्या होता है? आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव निर्मित आपदा होती है। तो हम इसमें केवल यही जानेंगे कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा किसे कहते हैं, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में साफ साफ जानेंगे। तो आपदा का अर्थ है, देखिए आपदा का जो अर्थ है, आपदा का अर्थ है कि ऐसी, इसका अर्थ है कि ऐसी आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक मतलब अचानक, आकस्मिक विपत्ति। आपदा का अर्थ है कि ऐसी आकस्मिक विपत्ति, विपत्ति आकस्मिक विपत्ति है जो किसी क्षेत्र में, इसका मतलब जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर, इसका मतलब है किसी भी क्षेत्र में रह रही, मतलब कि जहाँ लोग रह रहे हैं, रह रही जनता, रह रही जनता या फिर काम कर रही जनता, या काम कर रही जनता किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में रह रही जनता या काम कर रही जनता की बड़ी संख्या में, की बड़ी संख्या को, यानी रह रही जनता या फिर काम कर रही जनता को बड़ी संख्या को भी स्थापित करती है, भी स्थापित करती है। और विस्थापन में जो है, यानी इसके विस्थापन में क्या क्या होता है, देखिए विस्थापन में जो मृत्यु या फिर जीविका या संपत्ति मृत्यु, जीविका या फिर संपत्ति की हानि होती है, की हानि होती है या फिर मानवता के कष्ट सम्मिलित होते हैं, या मानवता के कष्ट सम्मिलित होते हैं। तो हमने इसमें यही सीखा कि आपदा का अर्थ है कि ऐसी आकस्मिक विपत्ति है जो किसी भी क्षेत्र में रह रही जनता या फिर काम कर रही जनता की बड़ी संख्या को विस्थापित करती है। विस्थापन में मृत्यु, जीविका या संपत्ति की हानि होती है, या मानवता के कष्ट जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो हमने जाना कि आपदा किसको कहते हैं, तो हमने इस वीडियो में आपदा के बारे में सही से जान लिया कि आपदा हमने किसको कहते हैं, इसी चीज़ को हम आपदा कहते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।